हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक विल बी अबाउट हार्ट। तो दोस्तों, आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 10th के लिए है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, हार्ट क्या होता है? एक्चुअली हार्ट एक कॉनिकल मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है, डबल पंप स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारी बॉडी में सर्कुलेशन करता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन हमारे पूरे बॉडी में करता है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज मस्क्यूलर कोनिकल डबल पंप स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल पंप स्ट्रक्चर। तो ये हमारे बॉडी में क्या करता है, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन पैदा करता है। तो इसका अब हार्ट का जो है, अगर बात करेंगे हार्ट का जो ब्रॉडर बेस होता है वो अपवर्ड्स की तरफ होता है। देखो, यहां से अगर देखा जाएगा ये हार्ट का ब्रॉडर बेस है और इसका जो पोजीशन है वो अपवर्ड्स की ओर है, और इसका जो नैरोअर पॉइंटेड और एपेक्स पॉइंट होता है जो कि इसका डाउनवर्ड्स होता है, यानी कि इंफीरियर साइड में होता है। तो हार्ट की जो लोकेशन है वो लेफ्ट साइड की ओर होता है। हार्ट का जो जो कलर होता है वो रेडिश इन कलर होता है, विथ साइज ऑफ आवर फिस्ट ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, सॉरी 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। एंड 9 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, 9 सेंटीमीटर इन ब्रेड्थ। तो हार्ट का जो वेट होता है जो वो होता है 300 ग्राम्स इन मैन, जो कि मैन में होता है हार्ट वो 300 ग्राम्स होता है, और वुमेन्स में क्या होता है, वुमेन्स में 250 ग्राम्स का हार्ट प्रेजेंट होता है, 250 ग्राम्स इन वुमेन्स। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ लिया है। तो हार्ट कहां पे प्रेजेंट होता है, हार्ट लाइज इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स। तो हार्ट की जो लोकेशन है वो थोरेसिक कैविटी के बिटवीन है, यानी कि लंग्स के दरमियान प्रेजेंट होता है। तो इसका जो होता है, यानी कि बाकी का हिस्सा जो होता है वो डायफ्राम पे होता है। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ लिया है। नाउ हार्ट का जो कवरिंग होता है, यानी कि हार्ट इज कवर्ड बाय नैरो फ्लूइड सैक मेम्ब्रेन, दैट इज व्हाट वी कॉल पेरिकार्डियम। यानी हार्ट की जो कवरिंग होती है एक फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन सैक होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक, तो आपने क्या समझ लिया यहां तक कि इट्स अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, डबल पंप स्ट्रक्चर विच सर्कुलेट्स द ब्लड इन आवर बॉडी। हार्ट की जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर है, हार्ट की जो ब्रेड्थ होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है, इनका हार्ट का जो वेट होता है वो 300 ग्राम्स इन मैन में होता है और 250 ग्राम्स इन वुमेन्स में होता है। हार्ट की जो कवरिंग होती है, यानी एक्सटर्नल कवरिंग होती है, इसकी जो कवरिंग वो मेम्ब्रेनस होता है, फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट वी कॉल पेरिकार्डियम। तो वो किस में मदद करता है, इट हेल्प्स इन द फ्रिक्शनलेस मूवमेंट्स एज वेल एज प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम द शॉक। यानी किस किस में मदद करता है, यानी कि फ्रिक्शनलेस मूवमेंट्स में जो हार्ट में होता है वो हेल्प करता है पेरिकार्डियम, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट्स। फ्रिक्शनलेस मूवमेंट्स एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द शॉक, यानी कि शॉक जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है हार्ट प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से सेल्फ करंट ना लगे, तो वो कौन प्रोटेक्ट करता है, पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द शॉक। ठीक, यहां तक आपने समझ लिया अच्छी तरह से। नाउ इसके आगे हम बढ़ेंगे। हार्ट जो है, हार्ट कंप्लीटली पार्टिशनड होता है, इट्स पार्टिशनड इनटू 4 चैम्बर्स, यानी कि जिसमें कि जो आधा हिस्सा इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है और आधा हिस्सा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, देर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो क्या होता है, इट्स 4 चैम्बर्ड, ह्यूमन हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड। ठीक है, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। उसके बाद आता है राइट आट्रियम एंड राइट वेंट्रियम, और राइट लेफ्ट आट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहां तक जो जो कि 2 अपर यानी कि सुपीरियर चैम्बर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, तो उनको बोला जाता है ऑरिकल्स,
या अगर एक ही लिया जाएगा तो उनको हम अट्रियम कहते हैं, अगर दोनों को दूसरा नाम पुकारेंगे तो अत्रेय भी बोलते हैं, ठीक है। जो ऊपर के दो हिस्से यहाँ पे देख लीजिए, ये राइट अट्रियम है तो यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रियम है, ठीक है, तो ये राइट वेंट्रिकल है तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहां तक आपने समझ लिया अच्छी तरह से, आप पूरा ध्यान से पूरा वीडियो देख लीजिए तब जाके आपको हार्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो जो अपर दो जो कि सुपीरियर चैम्बर्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, तो आपको दिखेगा ही यहां से, देखिए ये जो अपर चैम्बर्स है कितने स्मॉल है, दोनों चैम्बर्स बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स अगर देखा जाएगा, तो जो अपर चैम्बर्स है वो स्मॉल है, थिन वॉल्ड है, तो उनको कहते हैं ऑट्रियाज, यानी कि ऑरिकल्स भी कहा जाता है। टू अपर चैम्बर्स, टू अपर तो उनको कहते हैं ऑरिकल्स या कहते हैं ऑट्रिया। अगर एक ही को ले जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, ऑट्रियम, एट्रियम सिंगुलर। एट्रियम, ठीक है। तो अब जो बाकी का हिस्सा है लोअर यानी कि इन्फीरियर चैम्बर्स जो होते हैं, ये देखिए ये तो ये इन्फीरियर चैम्बर है, तो इन इन्फीरियर चैम्बर्स में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें लोअर चैम्बर में क्या होता है, ये जो दो चैम्बर्स होते हैं ये लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू आर्टरियस, तो और थिक वॉल्ड भी होते हैं, तो इनको कहते हैं वेंट्रिकल्स, दे आर नोन एज वेंट्रिकल्स, ठीक। तो इनको कहा जाता है वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स, ठीक। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद जो ग्रूव्स होते हैं यानी कि इररेगुलर ट्रांसवर्स ग्रूव्स, उनको कोरोनरी सेक्युलस कहते हैं। कोरोनरी सेक्युलस की जो लोकेशन है वो कहां पे होता है, बिटवीन ऑट्रियाज एंड वेंट्रिकल्स, इन बिटवीन, यानी कि और दे यहां पे देखिए यहां पे क्या है, ये यहां से अगर देखा जाएगा यहां पर पार्टीशन होता है वेंट्रिकल्स और यहां पे आर्टरियाज की लोकेशन है इन बिटवीन, यानी कि यहां पे कोरोनरी सर्कुलस प्रेजेंट होता है, कोरोनरी सर्कुलस या कोरोनरी आर्टरी को जिसे हम बोलते हैं, ये इरेगुलर ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं किन बिटवीन में, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के दरमियान। उसके बाद जो ओब्लिकली ग्रूव्स होते हैं यानी कि जिसको हम इंटर वेंट्रिकुलर सेक्यूलस कहते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेक्यूलस, इंटर वेंट्रिकुलर सेक्यूलस, यानी कि ये भी ओब्लिकली, बट दे आर ट्रांसवर्स, वो क्या थे यानी कि कोरोनरी सेक्यूलस क्या थे, ये ट्रांसवर्स ग्रूव्स थे। तो अब इररेगुलर ट्रांसवर्स ग्रूव थे, अब ये जो है ओब्लिकली ग्रूव्स होते हैं ये क्या होते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सर्कुलस, तो इनकी जो लोकेशन है ये दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द टू वेंट्रिकल, तो ये क्या यहां पर प्रेजेंट हुई, यानी कि दे आर द राइट, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, इन बिटवीन दिस देयर इज प्रेजेंस ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सर्कुलस। तो यहां तक ये आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए, दिस इज इंटर वेंट्रिकुलर सर्कुलस, ठीक। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल लार्जर होता है और बहुत ही मोटा होता है एज कंपेयर टू द क्या, राइट वेंट्रिकल। जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है ये सेपरेट करता है यानी कि बाइफरकेट करता है टू ऑरिकल्स को, यानी कि टू ऑरिकल्स को बाइफरकेट करता है, वाइल एज जो कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो एक पार्टीशन बनाता है बिटवीन टू वेंट्रिकल्स। फिर से मैं एक बार बताता हूं कि जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो बाइफरकेट करता है टू ऑरिकल्स को, यानी कि राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो एक पार्टीशन बनाता है इन बिटवीन टू वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स के दरमियान। जो ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है वो किसको सेपरेट करता है, सॉरी इंटर ऑरिकुलर सेप्टम किसको सेपरेट करता है, टू ऑरिकल स्क्वायर, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम किसको करता है, किसको सेपरेट करता है,
टू वेंट्रिकल्स को. नाउ द टू टाइप्स ऑफ सेप्टा सेपरेट द राइट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड. द टू टाइप्स ऑफ सेप्टा सेपरेट द राइट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड. अब जो राइट ऑरिकल होता है, अगर आपको यहां दिखेगा राइट ऑरिकल यानी कि राइट एट्रियम जिसे हम कहते हैं राइट ऑरिकल्स, वो किससे ओपन होता है? राइट वेंट्रिकल, यानी कि इसके बाद राइट ऑरिकल के बाद राइट वेंट्रिकल ही आएगा. तो इसमें एक अपर्चर होता है यानी कि इन बिटवीन, अगर देखो ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल, इन बिटवीन यहाँ पे एक वालू प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वालू. ट्राइकस्पिड वालू, ये वालू किसके, इसकी फंक्शन क्या है? वालू की फंक्शन ये होता है कि जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड होता है वो प्रिवेंट करता है. यही वालू, जब ब्लड एंटर होता है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल तक, तो बैक फ्लो ब्लड ना हो उसकी वजह से वालू होता है, वो वालू उसी टाइम बंद हो जाता है. तो अब राइट ऑरिकल ओपन होता है राइट वेंट्रिकल में, एक एपर्चर जो इसके ऊपर गार्ड किया होता है उसका उसका नाम है ट्राइकस्पिड वालू. तो अब जो द वालू इज सपोर्टेड बाय द फाइन फाइबर्स दैट इज नोन एज कॉर्डे टेंडने. कॉर्डे टेंडने, नाउ अब जो बात आ रही है लेफ्ट ऑरिकल की, या एट्रियम दैट ओपनस इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल ओपन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि एक जिसकी यानी कि एक एपर्चर गार्ड किया हुआ है जिसका नाम बाइकस्पिड वैल्यू है, यानी कि इन बिटवीन ये इसमें क्या होता है बाइकस्पिड वैल्यू, या जिसको हम मिट्रल वैल्यू भी कहते हैं, मिट्रल मिट्रल वालू या बाइकस्पिड वालू, बाइकस्पिड वालू. सॉरी अगर मुझे वर्ड मिस्टेक हो जाएगी लिखने में, करेक्शन तो खुद ही निकाल लेना वालू, क्योंकि मेरी स्पेलिंग थोड़ी वीक है. इस बाइकस्पिड और मिट्रल वालू को कौन सपोर्ट करता है? इसको भी कॉर्डे टेंडने ही सपोर्ट करता है. ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए. अब बात आ रही थी राइट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल. यहां से अगर देखोगे दिस इज ये एरिया, सॉरी ये एरिया यहां से दिस इज राइट वेंट्रिकल. एंड राइट वेंट्रिकल कहां से ओपन होता है? ये एक इसको कैरी करता है राइट वेंट्रिकल ओपनस इनटू द पल्मोनरी आर्क. दिस इज पल्मोनरी आर्क एंड दिस इज फॉलोड बाय द राइट ऑट्रियम. ठीक है, राइट ऑट्रियम किसको कैरी करता है, यानी कि कैस किससे ओपन होता है? पल्मोनरी आर्क से. दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस ओपनस इनटू द पल्मोनरी आर्क. एंड ये इस ओपनिंग को कौन गार्ड करता है? जो पल्मोनरी आर्क की ओपन है इसको कौन आगे से गार्ड किया हुआ, यानी कि इसकी प्रोटेक्शन कौन देना है? दैट इज सेमिल्यूनर वैल्यू. तो यहां पे पल्मोनरी आर्क पे जो होता है पल्मोनरी आर्क, सॉरी इस डायग्राम में आपको यहां दिखाऊंगा, राइट आर्टिकल को ओपन आगे से होता है पल्मोनरी आर्क को, यानी कि पल्मोनरी आर्क से आगे जो ये जो वैल्यूज प्रेजेंट होते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल दिज आर सेमी ल्यूनर वैल्यूज, सेमी ल्यूनर वैल्वस, सेमी ल्यूनर वैल्वस. तो अब जो ये ओपनिंग है ये कौन सी कैसे गार्ड किया हुआ होता है? सेमी ल्यूनर वैल्यूज. अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कैसे ओपन होता है? दैट्स दैट ओपन्स इनटू ओटा, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस ओपन्स इनटू द ओटा. यहां से देखो यहां से किस तरह से ओटा टू द हेड और उसके बाद ओटा को ओपन करता है कौन, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू ओटा विद सेमी ल्यूनर ओटिक वाल्व, यानी सेमी ल्यूनर ओटिक वैल्यू. इसको आगे से गार्ड किया हुआ है कौन? गार्ड किया हुआ है सेमी ल्यूनर ओटिक वैल्यू, दैट इज सेमी ल्यूनर ओटिक वालू, ओटिक वालू, सेमी ल्यूनर ओटिक वालू. तो ये इन बिटवीन, ये इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है. ठीक है, नाउ इसके बाद हम आगे इसकी बात करेंगे. वेट, नाउ लेट्स सी. अब जो बात आता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड
जो होल बॉडी से एंटर होता है कहाँ पे, राइट ऑरिकल थ्रू एस्पीरियर वेना कावा, यानी कि फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर से एक बार बताता हूं कि जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है होल बॉडी का, वो एंटर होता है राइट ऑरिकल में थ्रू सुपीरियर वेना कावा, यानी कि ये जो देखो राइट ऑरिकल है, यानी राइट ऑट्रियम जिसे हम कहते हैं, तो सुपीरियर, या ये मान लो कि सपोज दिस इज होल बॉडी, दिस इज ब्लड, तो यहां से होल ब्लड बॉडी का जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो यहां से एंटर होता है और पहुंच जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम यानी कि थ्रू सुपीरियर वेना कावा, यानी कि अपर पार्ट की ओर से। अब उसके बाद इंफीरियर वेना कावा, यानी कि जो फ्रॉम द मिडल एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कोरोनरी साइनस फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द हार्ट। कहाँ कहाँ से आता है इंफीरियर वेना कावा, यानी कोरोनरी साइनस, सुपीरियर फ्रॉम द होल बॉडी थ्रू सुपीरियर वेना कावा। तो अब ये पूरा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम में। इसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाई पल्मोनरी वैन, ठीक, पल्मोनरी वैन जो होता है यहाँ पे, अगर आपको देखोगे दिस इज पल्मोनरी वैन, ऑल डिऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड इन टू द राइट एट्रियम एक्सेप्ट पल्मोनरी वैन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, ऑल ओनली पल्मोनरी वैन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन टू लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम, या लेफ्ट ऑरिकल में कौन, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड इनटू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल। तो ये दोनों एक ही साथ फिल होते हैं, दैट दे बोथ आर फिल्ड साइमल्टेनियसली, तो दैट द प्रोसेस दैट इज नोन एज डायस्टोल। इसको हम कहते हैं डायस्टोल, यानी कि ब्लड प्रेजेंट हो गया है किसमें, राइट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, तो राइट एट्रियम में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। तो अब ब्लड अंदर चला गया, तो अब ये जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम, ये थोड़ा बहुत एक्सपेंड हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम डायस्टोल कहते हैं। अब जो आगे दे कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर और अंडरगो सिस्टोल, अब ये दोनों क्या लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट राइट एट्रियम, अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोनों, ऐसे श्रिंक होते हैं, तो पंप करते हैं ब्लड को, तो उस टाइम क्या कहते हैं, दैट इज सिस्टोल, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टोल, डायस्टोल, डायस्टोल एंड सिस्टोल। तो सिस्टोल के बारे में आपको मैंने बताया, और डायस्टोल के बारे में और सिस्टोल के बारे में दोनों में आपको बता चुका हूं। अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और अंडरगो सिस्टोल टू पोअर देयर ब्लड इन देयर रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल। अब इसके बाद ये जो ब्लड होता है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ब्लड कहां पे चला जाता है, दोनों वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में, ठीक। अब इसके बाद जो एक्सपेंड होते हैं इनकमिंग ब्लड से, दिस कॉजेस डायस्टोल ऑफ द टू वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पे वेंट्रिकल्स में क्या होता है, अब यहाँ पे एक्सपेंड हो गए दोनों वेंट्रिकल्स, तो उसको कहा, सीधी सी बात है, तो उसको हम डायस्टोल ही कहते हैं। अब इसके बाद जो डिस्टर्न एंडेड होते हैं वेंट्रिकल्स के, दे एंडर को सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन होते हैं टू पास देयर ब्लड इन टू द पल्मोनरी ऑर्क फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द सिस्टमिक ओटा फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी कि पल्मोनरी ऑर्क, पल्मोनरी आर्टरी को अब जो यहां पे होता है, अब जो दोनों वेंट्रिकल्स में ब्लड आ चुका है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब ये इसके बाद ये दोनों सिस्टोल करेंगे डायस्टोल करेंगे, तो हाँ जो ब्लड होता है वो कहां से एक्सपेंड हो जाएगा, थ्रू सिस्टमिक ओटा, थ्रू सिस्टमिक ओटा, थ्रू सिस्टमिक ओटा एंड पल्मोनरी आर्क, यानी पल्मोनरी आर्टरी की ओर, तो उसके बाद कहाँ चला जाएगा ये ब्लड, तो अब इसके बाद ये पूरा कॉर्डिक साइकिल पूरा हो जाता है। तो एक कॉर्डिक साइकिल बराबर करने के लिए जो चैम्बर्स में ब्लड फिल होता है वो कितनी देर, कितनी दफा प्रेजेंट होता है, 0.8 सेकेंड्स में, 0.8 सेक में फिल होता है, यानी कि टू चैम्बर्स, दोनों चैम्बर्स कहाँ पे फिल कितनी देर के बाद फिल होता है, 0.8 सेकेंड्स।
तो इसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ ऑरिकल स्टोन एंड वेंट्रिकुलर स्टोन एंड ज्वाइंट डायस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड ज्वाइंट डायस्टोल। बैकवर्ड फ्लड, जो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड वो कैसे प्रेजेंट होता है, वाल्व से, बाइकस्पिड वैल्व, ट्राइकस्पिड वैल्व, मिट्रल वैल्व, सेमिलुलर वैल्व, सेमिलुनर ऑर्टिक वाल्व, दे ऑल आर प्रेजेंट इन द रेस्पेक्टिव पोजिशंस एंड दे आर प्रिवेंटेड बाई द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से। अब ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में अगर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं आपको वो कंफ्यूजन दूर करूंगा। अब जो पार्टीशन है, द पार्टीशंस बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, दे आर वेरी यूजफुल इन सेपरेटिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन, जो दोनों साइड के पार्टीशंस है, लेफ्ट साइड और राइट साइड के, वो बहुत ही यूजफुल होते हैं। सेपरेट, दे आर सेपरेटिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, दैट प्रोवाइड्स एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स। यानी कि जो हार्ट हमारा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लाता है, वो मैंने आपको बता चुका है। वो क्यों लाता है, दैट बिकॉज ऑफ आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑल द बॉडी पार्ट्स नीड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दिस ऑकर्स इन एनिमल्स हैविंग हाई एनर्जी नीड्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर कीपिंग द बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। ठीक, तो यहां तक आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। दोस्तों, एम्फीबियंस में एनर्जी की बहुत ही जरूरत होती है, यानी कि उनमें लेसर बॉडी टेम्परेचर होता है, वेरी टेम्परेचर होता है एनवायरमेंट के साथ। तो इनमें थ्री चैम्बर्ड हॉट होता है, थ्री चैम्बर्ड हॉट इज प्रेजेंट इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस तो उनमें क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड एंड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत ही प्रेजेंट होते हैं। तो फिशेज में क्या होता है, फिशेज में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, फिशेज में टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। जो जो फिश का हार्ट है वो कौन सा ब्लड, ओनली दे पंप ओनली वेन्स ब्लड, दे पंप ओनली वेन्स ब्लड। तो दोस्तों, अब हम हार्ट बीट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। हार्ट बीट क्या होता है, दैट इज रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। दिस इज अ लिटिल बिट डेफिनेशन फॉर हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है, यानी कि फिर से एक बार बताता हूं कि रिदमिक एक्सपेंशन यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंड होना कॉन्ट्रैक्ट होना, उसी को हम हार्ट बीट कह रहे हैं। हार्ट दैट इज एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन एक्चुअली इज द डायस्टोल, यानी द एक्सपेंशन इज नोन एज डायस्टोल, एक्सपेंशन को हम डायस्टोल कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, सिस्टोल। तो एक्चुअली दे आर ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, दे अंडरगो डायस्टोल एंड सिस्टोल। तो ये दोनों क्या, दोनों बट जो फोर्सिबली होता है, यानी कि बीइंग फोर्सफुल ऑन द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन कंटेन्स हार्ट बीट, यानी कि फोर्सफुल जो हार्ट बीट एक्चुअली कौन बीट करवाता है, दैट इज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये जो दोनों है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यही दोनों क्या, हार्ट बीट को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि फोर्सफुल जो हार्ट बीट होते हैं, यानी कि यही प्रोड्यूस करते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो हार्ट रेट होता है ह्यूमन बींग्स में, एडल्ट ह्यूमन बींग में, दैट इज 70 to 72 per minute, 70 to 72 per मिनट, यानी कि एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, एडल्ट एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, मेल में, यानी कि एडल्ट ह्यूमन मेल में, तो 80 मिनट्स इन एडल्ट फीमेल्स, 80 per बीट्स इन मैन में, एडल्ट 80 मिनट्स इन फीमेल्स। ठीक दोस्तों, यहां तक आपने समझ लिया होगा अच्छे से। अब यहां पे
जो इंक्रीजिंग यानी कि एक्साइटमेंट होती है फिजिकल एक्सरसाइज से, तो हार्ट में एक साउंड सी प्रोड्यूस हो जाती है कि पिंच सा हो जाता है एक शॉर्टर ड्यूरेशन में, जिसकी वजह से जिसका नाम दिया गया है डप, DUP, डप। यानी कि कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज अगर करेंगे तो वहां से एक शॉर्ट पिंच साउंड आती है डप, लप। यानी कि लप इज प्रोड्यूस्ड ऑन द साइमल्टेनियस क्लोजर ऑफ द ऑट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। कौन? यानी कि जो लब है, डब और लब लब कैसे कब प्रोड्यूस होता है? जबकि ऑट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स यानी कि बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज होते हैं। ऑट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व्स, जब ये दोनों क्लोज होते हैं तो वहां से एक साउंड प्रोड्यूस हो जाती है जिसका नाम दिया गया है डब, सॉरी लब। तो डब कब प्रोड्यूस होता है? जब सेमी ल्यूनर यानी कि ऑर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं, तो उस टाइम क्या होते हैं? उस टाइम डब प्रोड्यूस होती है। कौन कौन सा? सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, सडन साइमल्टेनियस क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ठीक, यहां तक आपको अच्छे से समझ लिया होगा। तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करिए, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको किसी भी जगह कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हमें इस कंफ्यूजन यहाँ पे कंफ्यूजन, तो अगले वीडियो में मैं आपको अच्छे से कंफ्यूजन निकाल सकता हूँ। तो अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो कमेंट सेक्शन में वो भी डाल दीजिए। प्लीज डू नॉट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।